प्राग से रात के 10 बजे फ्लेक्सी बस से मैं निकला। रात के 10 बजे फ्लेक्सी बस से फिर तकरीबन 12 या 1 बजे तक जर्मनी में एंट्री हो गई। तब तो मुझे नींद लग गई थी। फिर सुबह सुबह जब स्विट्ज़रलैंड में एंट्री हुई तो सुबह हो गई थी। तो वहाँ से शुरुआत से ही, जहाँ से स्विट्ज़रलैंड में एंट्री होती है वहाँ से बॉर्डर से ही पूरी ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे वहाँ से दिखते हैं। जैसे हम देखने की उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे घास चरती हुई गाय दिखे, छोटे छोटे गांव दिखे, झोपड़ियाँ, पहाड़, वैसे ही बिल्कुल नज़ारे है और बहुत ही खूबसूरत लगा। वाया स्विट्ज़रलैंड मिलान की तरफ ये बस निकली थी। वहाँ पे मैं रुका तो नहीं, लेकिन पूरा स्विट्ज़रलैंड से ये बस का सफ़र हुआ। ज्यूरिक में 5 मिनट के लिए रुके, वहाँ पे कुछ पैसेंजर उतारे, फिर वहाँ से वापस ज्यूरिक से निकल गए। फिर आगे का नज़ारा वैसे ही, पूरी ग्रीनरी, छोटे छोटे गांव, गायें चरती हुई और बड़े बड़े लेक, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। वैसे ही आगे की तरफ इटली में चले गए। फ्लेक्सी बस का किराया 35 यूरो था, जो कि मैंने वहाँ पे प्राग में जो फ्लोरेंस है वहाँ का बस स्टॉप, वहीं से टिकट निकाली थी। इटली में जहाँ पे मैं रुका था हॉस्टल में, वहाँ पे पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1 बज गई। फिर वहाँ पे मैंने नज़दीकी होटल में, इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना खाया और फिर आगे की तरफ निकल गए। हॉस्टल में अपना लगेज रखा, फिर वहाँ से मैं फ्रेश होके आगे वहाँ का जो फेमस चर्च है वहाँ की तरफ गया। तो वहाँ पे कुछ घूमा मैं, वहाँ पे कुछ नज़ारे देखे, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे बड़ा स्क्वायर है और काफ़ी म्यूज़िक बजाते हुए लोग।